चले देखिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द मैट्रिक्स ए 1567 वेरीफाई दैट। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हमको वेरीफाई करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम इसका। पार्ट फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए डैश बोलते हैं हम इसको, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको ये मालूम है ये जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का अगर अपन डैश ले ले या इसका ट्रांसपोज ले ले तो अपने को यही वाला मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए तो ए जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो पहले हम ये वाला मैट्रिक्स निकालते हैं ए प्लस ए डैश और उसके बाद उसका डैश ले लेंगे तो ये अंदर वाला मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। तो अब अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले इसका ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज 2x2 का है ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज भी 2x2 का होगा। ट्रांसपोज अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 6 7। ये आ गया अपने पास में ए का डैश या ए का ट्रांसपोज। अब ये वाला मैट्रिक्स निकाल लेते हैं ए प्लस ए डैश और फिर उसका ट्रांसपोज देंगे। तो देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखता हूं मैं। ए वाला मैट्रिक्स है 1 5 6 7 प्लस ए डैश वाला मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पर। ए डैश वाला मैट्रिक्स ये निकाल के रखिए हमने 1 6 5 7। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन है और दोनों का ऑर्डर सेम है 2x2 का। तो अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इनके एडिशन से वो भी 2x2 का मिलेगा। तो विच इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दो। 1 + 1 करेंगे 2, 5 + 6 करेंगे 11, 6 + 5 करेंगे 11 और 7 + 7 करेंगे तो 14। ये अपना ए प्लस ए डैश आ गया। अब अपने को ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसके लिए मैं इसी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ या इसका डैश ले लेता हूँ। Therefore, a plus a transpose और इस पूरे का transpose is equal to क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स है a plus a dash, इसका डैश लेना है हमको तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 2 11 और ये 11 14, ऐसा आ गया। अब देखो ये a प्लस ए डैश का डैश लिए तो ये वाला मैट्रिक्स आपका a प्लस ए डैश के इक्वल है क्या, 2 11 2 11 11 14 11 14, मतलब इस मैट्रिक्स को हम a प्लस ए डैश लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए डैश था, यहाँ पर a प्लस ए डैश आ गया, मतलब a का अगर अपन डैश ले ले तो a के इक्वल आ गया। इस पूरे मैट्रिक्स को अपन a मान ले तो ये ए हो गया आपका, तो ये क्या हो गया ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ये है ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही अपने को प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है कि a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड आरटीपी a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का होता है आपको मालूम है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है
अगर अपन इसका डैश ले ले तो क्या आना चाहिए, माइनस ए आना चाहिए। अगर माइनस ए आ गया ए डैश इज इक्वल टू, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ए माइनस ए डैश निकालते, ए डैश अपने पास में निकला हुआ है, तो पहले ए माइनस ए डैश निकालता हूं मैं। ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, अच्छा देख के लिख लेंगे 1 5 6 7। अब ए डैश अपने पास में 1 6 5 7 माइनस 1 6 5 7, ये अपना ए डैश है। अब देखो बीच में माइनस का साइन लगा हुआ और दोनों के ऑर्डर सेम है 2 by 2 के, तो इसमें से इसको माइनस कर देते और 2 by 2 का मैट्रिक्स मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो 1 - 1 करेंगे तो 0, 5 - 6 करेंगे -1, 6 - 5 करेंगे तो 1, 7 - 7 करेंगे तो 0। अब ये अपना a माइनस ए डैश आया, अब हमको इसी का डैश या इसका ट्रांसपोज लेना है तो यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए और सामने माइनस का साइन आना चाहिए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देयरफॉर a माइनस ए डैश और इसका डैश ले रहा हूं मैं, ये माइनस टाइम इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ए माइनस ए डैश वाला ये मैट्रिक्स है, अब इसका डैश ले रहे हैं हम, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 0 - 1 1 0। अब अपने को इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सामने माइनस साइन चाहिए और ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे, कॉमन निकाल रहे हैं, तो 0 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 ही बचेगा और 1 में से निकालेंगे तो -1, ये 0 और ये -1 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 0 में से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 0। अब देखो आप यहाँ माइनस आ गया और ये एक मैट्रिक्स मिला 0 0 और ये -1 1, तो इस मैट्रिक्स को देखो आप, ये वाला मैट्रिक्स आपका ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया, 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0। तो इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं मैं ए माइनस ए डैश, व्हिच इज इक्वल टू, माइनस हमने है और ये ए माइनस ए डैश, देखो वही का वही मैट्रिक्स आ गया आपका, ए माइनस ए डैश आ गया यहाँ पे और सामने माइनस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका अंदर वाला, या ये ए माइनस ए डैश या ये वाला ए माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। जैसे ये ए मैट्रिक्स रहता है और इसका अपन डैश निकालते हैं, तो ये माइनस ए अगर आता तो हम ए को क्या बोलते, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 इनटू ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश व्हेन ए एक मैट्रिक्स दिया 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी और ये 0। देखो ये मैट्रिक्स आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये डायगोनल के एलिमेंट 0 0 है और इसके ऊपर ए बी सी एलिमेंट है और नीचे ए का माइनस ए हो गया, बी का माइनस बी और सी का माइनस सी। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है ये कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालना, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 तो स्केलर है, ए प्लस ए डैश, तो अपने को ए डैश की जरूरत इसमें भी पड़ेगी और ए डैश की जरूरत इसमें भी पड़ेगी, तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए आपका 3/3 का है तो ए का ट्रांसपोज भी 3/3 का ही आएगा। ए का ट्रांसपोज कैसे निकाले, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 AB, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो -A 0 C, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो -B - C और ये 0, ये ए डैश आ गया अपने पास। अब हमको 1/2 ए प्लस ए डैश कैलकुलेट करना है, देयरफॉर 1/2 ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ये 1/2 को ऐसी रहने दो, यहां पर ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है आपके पास में ये वाला 0 ए
बी माइनस ए जीरो, सी माइनस बी माइनस सी और ये जीरो, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया प्लस ए डैश, ए डैश को प्लस करना है, ये है ए डैश, इसको लिख दो जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और ये जीरो और ये ब्रैकेट बंद कर दो। ये दोनों थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स है और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो थ्री बाय थ्री का नया मैट्रिक्स मिल जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दो, तो विच इज इक्वल टू ये वन अपॉइंट टू सामने है, जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो, माइनस ए में ए को, ए में माइनस ए को प्लस करेंगे तो ये भी जीरो, बी में बी माइनस बी को प्लस करेंगे तो जीरो, माइनस ए में ए को प्लस करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो को प्लस करेंगे तो जीरो, सी में माइनस सी को प्लस करेंगे तो जीरो, बी में माइनस बी को प्लस करेंगे तो जीरो, माइनस सी में सी को प्लस करेंगे तो जीरो, और जीरो में जीरो को प्लस करेंगे तो जीरो। देखिए ये पूरा जीरो जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसमें वन अपॉइंट टू का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में वन अपॉइंट टू का करेंगे तो जीरो, सब जीरो जीरो हो जाएंगे, वन अपॉइंट टू का सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब जीरो जीरो ही हो जाएंगे, जीरो 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 जीरो। देखो ये पूरा जीरो मैट्रिक्स आ गया थ्री बाय थ्री का, इसको अगर आप चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ओ लिखते हैं और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ओ लिखते हैं, ओ लिख दिया मैंने और थ्री बाय थ्री, और नहीं लिखना आपको तो ये आंसर ठीक है आपका, ये आ गया आपका फर्स्ट वाला आंसर, ये ए प्लस ए डैश निकाल दिया, ए प्लस ए डैश और वन अपॉइंट टू इसकी वैल्यू निकाल, अब ऐसे ही वन अपॉइंट टू ए माइनस ए डैश निकालते हैं, एंड वन अपॉइंट टू इंटू ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू को यहीं रहने दो, ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, ए वाला मैट्रिक्स क्या है आपका, ए वाला मैट्रिक्स है इधर से देख के लिख लो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी जीरो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये ए लिख दिया मैंने, अब माइनस ए डैश, ए डैश वाला मैट्रिक्स निकाल के रखे है अपन ने, यह है ए डैश, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो सी बी सी जीरो, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी बी सी और ये जीरो, ध्यान से लिखना भाई, अभी में से देख के लिख सकते हैं आप, ऐसा आ गया। अब ये थ्री बाय थ्री के दोनों बीच में माइनस का साइन लगा है, थ्री बाय थ्री का मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, ए में से माइनस ए करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस ए हो जाएगा तो टू ए हो जाएगा, ध्यान से हाँ, बी में से माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस बी हो जाएगा और बी तो टू बी हो जाएगा, माइनस ए और ये माइनस ए माइनस टू ए हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो, सी माइनस सी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा तो टू सी हो जाएगा, उसके बाद माइनस बी और ये बी को माइनस करेंगे तो माइनस टू बी, माइनस सी और ये सी को माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस टू सी, और जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो। इसमें आप वन अपॉइंट टू का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो मल्टीप्लाई, मतलब टू से डिवाइड कर दो इसको, जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा, टू बी को टू से डिवाइड करेंगे तो बी हो जाएगा, माइनस टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा,
और 2c को 2 से डिवाइड करेंगे तो c हो जाएगा, माइनस 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, माइनस 2c को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस c हो जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स आ गया 3x3 का, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इनके आंसर कैलकुलेट करते, ठीक है, आसान है, बस कुछ नहीं करना आपको, सीधा प्लस माइनस करना है ट्रांसपोज लेके, तो आसानी से आप कर सकते, लेकिन ध्यान से करेंगे, वैल्यू इधर उधर ना हो, आंसर चेक करके देख सकते हैं आप, आ जाएंगे करेक्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्राइसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नीचे जो मैट्राइसेस लिखे हुए हैं इनको आपको क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए कल हमने एक थ्योरम प्रूव किए थे कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है अपने पास में, तो उसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखे थे, ए को हमने लिख दिए थे पहले ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1/2 ए प्लस ए डैश उसको हमने पी कंसीडर कर लिए थे, और जो सेकंड वाला पार्ट है 1/2 ए माइनस ए डैश उसको क्यू सपोज कर लिए थे, और फिर हमने पी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिए थे, तो प्रूफ हो गया था कि ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है। तो वैसे ही करेंगे हम, इसका एक एक पार्ट ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट लेता हूँ पहले, पार्ट फर्स्ट, ये जो मैट्रिक्स है 3, 5, 1, -1 इसको हम ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं पहले, डेट ए इज द मैट्रिक्स 2x2 का है, क्या 3, 5, 1, -1 देख लो यही वाला मैट्रिक्स है 3, 5, 1, -1 इसको लिया है। अब ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, कल मैंने इसको प्रूफ भी करके बताया था, अभी चेक करके देख लो, दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लिया आपने, ये ए प्लस ए डैश प्लस यहाँ ए माइनस ए डैश बच जाएगा, ये ए डैश नेगेटिव ए डैश पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, सामने 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ए को अपन ऐसा लिख सकते, ये याद रखना आपको, इसको हमने सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर लिए कल के थ्योरम में, इज इक्वल टू ये 1/2 ए प्लस ए डैश को पी सपोज कर लेते हैं और इसको क्यू सपोज कर लेते हैं, लेट्स से ऐसा सपोज किया हमने, लेट्स सी वेयर पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश ये है, एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। अब हमको इस पी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर पी मैट्रिक्स निकालेंगे, कल प्रूव कर ही लिए अपन ने कि पी सिमेट्रिक होता है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो मैं पहले पी निकालता हूँ, पी निकालता हूँ तो वो सिमेट्रिक ही आएगा आपका, उसको अपन यहाँ रख देंगे, और क्यू निकालते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, उसको यहाँ रख देंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपन डायरेक्ट पी और क्यू निकाल लो बस, तो पी निकालते हैं पहले, नाउ पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसके अंदर वैल्यू रख दो, ए 2x2 का है ये, ए मैट्रिक्स है ये वाला 3, 5, 3, 5, 1, -1 प्लस ए डैश, इसी का ट्रांसपोज ले लो, ए है इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो 3, 5, 1, -1 ये मैंने ए का डैश लिख दिया, इस इक्वल टू ये 1/2। अब यहां देखो दोनों मैट्रिक्स 2x2 के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2x2 का ही मिलेगा,
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर लो, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 1 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 + -1 -2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है, सामने 1/2 है तो 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। ये आपका पी आ गया। और ये पी कैसा है, ये पी आपका सिमेट्रिक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपन इसके अंदर वैल्यू रख के निकाले, ये सिमेट्रिक आता है, कल प्रूव करके दिखाए थे आपको, थ्योरम दिखाए थे ना कल। अब क्यू निकाल लेते हैं, एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2, यहां पे रखना है वैल्यू ए माइनस ए डैश, पहले ए वाला मैट्रिक्स 3 5 1 -1, ये मैंने ए लिख दिया है, माइनस ए डैश, इसी का डैश लिख लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 - 1, ये दोनों 2/2 के पीछे माइनस लगा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लो, 1/2 सामने है, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। 3 - 3 करेंगे तो 0, 5 - 1 करेंगे 4, 1 - 5 करेंगे -4, -1 और ये -1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 0। सामने 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, 4 को डिवाइड करेंगे 2, -4 को डिवाइड करेंगे तो -2, और 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0। ये आपका क्यू आ गया। ये क्यू कैसा होगा, ये इसकी सिमेट्रिक होगा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अपन कल प्रूफ कर लिए थे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और ये वाला इसकी सिमेट्रिक है, तो ये इसकी सिमेट्रिक आ गया। अब a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, a मैट्रिक्स है अपने पास 3 5 1 - 1, ये a था, इज इक्वल टू पी, पी को लिख दो, पी मैट्रिक्स अपन ने ये निकाले हैं 3 3 3 - 1 + क्यू, क्यू भी अपन ने निकाल के रखे हैं, क्यू को लिख दो 0 2 - 2 0, 0 2 - 2 और ये 0। देखो हमने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिए, अब देखो ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करके देख लो। ये डायगोनल के एलिमेंट है 3 - 1, अब डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही वाला एलिमेंट आपको नीचे लिखना है, देखो 3 की इमेज 3 लिख दिए, तो ये वाला आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, और स्क्यू सिमेट्रिक है ये वाला, इसके डायगोनल के एलिमेंट देखो 0 0 है, ऊपर जो एलिमेंट है डायगोनल के वो 2 है, उसके नीचे वही वाला एलिमेंट रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज कर देंगे, तो 2 की इमेज 2 हो गई और सामने माइनस का साइन, देखो 2 - 2, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, तो हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे आप चाहे तो पी को लिख सकते हैं कि ये जो पी दिख रहा है आपको, ये वाला जो पी है ये डायरेक्ट क्या है, ये पी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो क्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे ऐसे हम लिख दिया इसको, इसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आज कि उसका डैश निकाल के, वो ये अपन ने थ्योरम में कल प्रूफ करे थे, सेकंड नंबर का जो थ्योरम था वो यही वाला थ्योरम था। तो ऐसे आपको एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखो ये सही आया है कि नहीं आया है, तो अपन ने इससे मैट्रिक्स से चेक करके देख लिए,
वैसे आप इसको ऐसा भी चेक करके देख सकते हैं, इनके इधर साइड में दो मैट्रिक्स हैं, बीच में प्लस का, दोनों को प्लस करो तो यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। मतलब ये मैट्रिक्स को अपन ऐसे दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक, जो अपना कल का थ्योरम था उसका यूज किया। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए। इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसे ही आप ये फोर्थ वाला पार्ट कर लेंगे, फोर्थ वाला पार्ट आप कर लेना इसका। ये फोर्थ वाला पार्ट सेम ऐसे ही रहेगा, 2/2 का ही है। देख रहे हो आपको ये फोर्थ वाला, ये वाला आप कर लेंगे ऐसे ही जैसा मैंने फर्स्ट किया है, 2/2 वाला, इसको आप होमवर्क में कर लो। ये एच डब्ल्यू कर सकते ना सेम ऐसा का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड और सेकंड दोनों एक जैसे, 3/3 वाले में एक बता देता हूँ, सेकंड बता देता हूँ तो आप थर्ड वैसे ही कर लेना, या थर्ड बता देता हूँ तो सेकंड कर, एक बता देता हूँ एक आप कर लेना, करेंगे ऐसे ही इसको भी, ये 3/3 का है। चले देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट, एक मैट्रिक्स है 6-2, 2-2, 3-1, 2-1, 3। इस मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इस मैट्रिक्स को आप ए सपोज कर लो पहले, डेट ए 3/3 का है, 6-2, 2-2, 3-1, 2-1, 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब हमको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो जैसा अपन ने अभी 2/2 वाले को करे थे सेम इसको ऐसे ही करेंगे। तो ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कॉमन निकालो, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश माइनस ए डैश प्लस ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा। मतलब एक को ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। सो इसको ले लेते हैं पी प्लस इसको ले लेते हैं क्यू, ऐसा अपन ने सपोज कर दिया, लेट्स सी। अब वेयर पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ये मैट्रिक्स रहता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्यू जो है, एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने को क्या करना है, केवल पी और क्यू की वैल्यू निकालना है और उसको यहां पे रख देना है बस। तो पी की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, देयरफॉर पी इज इक्वल टू ये 1/2 ए प्लस ए डैश 3/3 का है। पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं यहां पे, ए मैट्रिक्स दिख रहा है आपको 6-2, 2-2, 3-1, 2-1, 3। ये ए लिख दिया मैंने, प्लस ए डैश, तो ये ए लिखा हुआ इसी का डैश या इसी का ट्रांसपोज यहीं से लिख देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये हो जाएगा 6-2, 2 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो -2, 3-1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2-1 और ये 3। ये मैंने वैल्यू रख दिया है इसके अंदर 1/2 ए प्लस ए डैश। अब ये 3/3 के मैट्रिक्स है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों को ऐड करते थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा आपका, ये पी के इक्वल चल रहा है, पी इज इक्वल टू 1/2 और एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं, 6+6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, -2+-2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2+2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद -2+-2 करेंगे तो -4,
थ्री प्लस थ्री सिक्स, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू, उसके बाद थर्ड रो को प्लस कर लो, टू प्लस टू फोर, माइनस वन माइनस वन को प्लस करेंगे तो माइनस टू, और थ्री प्लस थ्री करेंगे तो सिक्स। इसमें वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर लो या टू से डिवाइड कर दो इसको, विच इज इक्वल टू टू से डिवाइड कर दो। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये फर्स्ट कॉलम को कर दिया, आप सेकंड कॉलम को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, तो माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस 2, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, माइनस 2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 1। अब मैं थर्ड कॉलम को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 4 को डिवाइड करेंगे 2, माइनस 2 को डिवाइड करेंगे माइनस 1, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3। ये आपका पी मैट्रिक्स आ गया। अब ऐसी क्यू मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसको फिर यहाँ पे रख देंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब क्यू निकालते हैं ये वाले से, वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश, एंड क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश, ये है, इसमें वैल्यू रखते हैं, ये वन अपॉन टू ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ, ए वाला मैट्रिक्स है ये रहा, सिक्स माइनस टू, ये वाला लिख देता हूं मैं, सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री, ये ए लिख दिया मैंने, देखना मेरा ध्यान से देख के लिखना, सही होना चाहिए, माइनस ए डैश, इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, अपन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो सिक्स माइनस टू टू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो माइनस टू, थ्री माइनस वन, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में टू माइनस वन, और ये थ्री, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये दोनों थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स है और बीच में माइनस है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लो, एक थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स मिल जाएगा, वन अपॉन टू बाहर है, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स इतने में आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, तो सिक्स माइनस सिक्स करेंगे तो जीरो, माइनस टू में से माइनस टू को माइनस करें तो प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, फिर सेकेंड रो को देखो माइनस टू और ये माइनस टू करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू ये भी जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो, उसके बाद ये माइनस वन और ये माइनस वन को माइनस करेंगे तो प्लस वन माइनस वन जीरो, उसके बाद थर्ड रो को माइनस कर लो, टू माइनस टू जीरो, माइनस वन और ये माइनस माइनस वन और ये माइनस माइनस का प्लस वन ये भी जीरो हो जाएगा, और थ्री माइनस थ्री जीरो, पूरा जीरो जीरो आ गया। वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर लो या टू से डिवाइड कर लो इसको, जीरो को डिवाइड करें तो जीरो ही आएगा, जीरो 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 जीरो, सब जीरो जीरो आ गए। अपन चाहे तो इसको नल मैट्रिक्स लिख सकते, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी अपने को उधर एडिशन में दिखाना है इसको। तो ये आ गया अपना क्यू मैट्रिक्स, और ये क्यू मैट्रिक्स कैसा होगा, ये क्यू मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो यहाँ चेक भी करके देख सकती है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो जीरो, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है जीरो की इमेज जीरो, प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं जीरो, यहाँ पे जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो जीरो ही रहता है, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब पी अपने पास में सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक बोले पी को और इसको स्क्यू सिमेट्रिक, आप इसको ए में रख देते हैं, पी और क्यू की बात रख दो। Therefore, A is equal to P plus Q. रखो इसमें वैल्यू, A मैट्रिक्स रख देते हैं, क्या है A मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स पीछे देख लेंगे आप, पहले क्या 6 माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री, देखते हैं इसको 6 माइनस टू टू माइनस टू
थ्री माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री, ये ए मैट्रिक्स है। एस इक्वल टू पी वाला मैट्रिक्स कितना है, पी वाला मैट्रिक्स क्या निकाले अपन ने, पी वाला मैट्रिक्स ये निकला हुआ है ना, ये पी, सिक्स माइनस टू, टू माइनस टू, थ्री माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री, देखते हो इसको, सिक्स माइनस टू, टू माइनस टू, थ्री माइनस वन, टू माइनस वन, ये माइनस वन है और ये थ्री, प्लस क्यू, क्यू वाला मैट्रिक्स जीरो जीरो है सब, ये रहा क्यू, जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, तो देखो हमने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख लिया, इसको चेक करके देख सकते हैं आप, ये वाला सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक, देखो डायगोनल के एलिमेंट सिक्स थ्री माइनस थ्री, इसके ऊपर ये माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगी इसकी इमेज, ये टू है इसकी इमेज टू आ गई, माइनस वन की इमेज माइनस वन, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी इमेज लिखना और साइन माइनस के लगा तो जीरो, और ये माइनस जीरो लिखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा जीरो, ये माइनस जीरो लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो, माइनस जीरो लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, या आप इसको प्लस करके देख लो तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे आप एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, यह आंसर हो गया। तो ये मैंने एक थ्री बाय थ्री वाला बता दिया आपको और एक टू बाय टू वाला बता दिया था, एक और है इसके अंदर वो आप कर देना, ये थर्ड वाला आप कर लेना, सेम ऐसे ही रहेगा, ये थर्ड वाला फॉर्म वाला घर में बैठ के आराम से कर लेना आप इसको, इसको ए मैट्रिक्स ले लेना और ए को पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख के जैसा अपन ने इसको किए बस सेम आपको ऐसे ही करते हो जाएंगे। चले देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12, 11 और 12 क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन को टेक करना है या चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देखिए कंडीशन दी हुई है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों सिमेट्रिक है, देन ए बी माइनस बी ए इज, तो ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो एक ये जो कंडीशन है मैं इसी का यूज कर लेता हूँ कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन दोनों का अगर अपन डैश लेंगे, ए का डैश लेंगे तो ये आ जाएगा ए के इक्वल और बी का डैश या बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी के इक्वल, इस कंडीशन का यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर देखते हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स आता है। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, सिमेट्रिक मैट्राइसेस, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए ले सकते हैं आप एंड बी डैश इज इक्वल टू बी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक दिए हुए, तो जहां ए डैश आएगा वहां ए ले लेंगे और जहां बी डैश आएगा वहां बी ले लेंगे। अब हमको ए बी माइनस बी ए निकालना है कि कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ए बी माइनस बी ए का मैं डैश निकालता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, अपने को ए बी माइनस बी ए बताना है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो। देखो ए बी माइनस बी ए का जब अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगर यही वाला मैट्रिक्स अपना आ जाता है, ए बी माइनस बी ए आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए बी माइनस बी ए का डैश निकालने के बाद में ये वाला मैट्रिक्स आता है और सामने माइनस आता है ऐसा, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और जीरो जीरो मैट्रिक्स होगा तो पूरे जीरो जीरो आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट वन बनाएंगे बाकी के जीरो जीरो आएंगे, तो मैं इसका डैश निकाल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास में प्रॉपर्टीज है, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे तो पहले ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश ऐसा हो जाएगा। अब फिर से अपने पास में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ए बी पूरे का डैश या उसका ट्रांसपोज है तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज होगा, तो बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज माइनस, ये बी ए का डैश लगा हुआ है तो पहले ए का डैश लगाओ फिर बी का डैश लगेगा, ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश, है ना, ये था अपने पास में ए बी डैश इज इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ भी किए अपन। आप अपने पास में वैल्यू है ए डैश के प्लेस पे ए रख दो और बी डैश के प्लेस पे बी रख दो, क्या हो जाएगा ये, ए बी डैश के प्लेस पे बी रखना है
और ए डैश के प्लेस पे ए रखना है, माइनस ए डैश के प्लेस पे ए रखना है और बी डैश के प्लेस पे बी रखना है। यहाँ से रख दिया है मैंने वैल्यू, ए डैश इजिकल टू ए, बी डैश इजिकल टू बी, ये बी डैश के प्लेस पे बी, ए डैश के प्लेस पे ए, ए डैश के प्लेस पे ए, बी डैश के प्लेस पे बी। अब देखो ये बी ए माइनस ए बी आया, अपने को ए बी माइनस बी ए चाहिए थी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बी ए हो जाएगा और ये प्लस ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो ए बी को पहले लिख सकते हैं, माइनस बी ए को बाद में लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए। देखो ए बी माइनस बी ए का डैश निकाले अपन ने तो यही वाला मैट्रिक्स आया, ए बी माइनस बी आया, लेकिन सामने माइनस आ गया। अगर ये ए मैट्रिक्स होता और इसका डैश निकालते तो ये ए आता और सामने माइनस ए आता, इसका मतलब क्या होता कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता, उसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि तो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स जो पूछ रहा है ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफोर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, क्योंकि सामने माइनस आ गया, वही वाला मैट्रिक्स है सामने माइनस आ गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक नहीं है, जीरो भी नहीं है, आइडेंटिटी भी, ऑप्शन ए को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने इसको सॉल्व करा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए मैट्रिक्स दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, आइए कंडीशन थी वो ये ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो इसमें अल्फा की क्या वैल्यू है, तो मैं कंडीशन को ले लेता हूँ, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन गिवन है अपने को, इसमें वैल्यू रखो ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 2/2 का रखो, ए के प्लेस पे कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ए मैट्रिक्स लिखे हमने, प्लस ए डैश है तो इसी का डैश ले लो, डैश कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहे साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। अब देखिए ये आई है, इधर 2/2 के मैट्रिक्स है, दोनों का सम करेंगे तो 2/2 का मिलेगा, तो इधर भी आई आपको 2/2 का लेना पड़ेगा, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0, देखो ये 2/2 का डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी सब 0 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2, इधर का ऑर्डर 2/2 था तो इधर भी आपको 2/2 का आई देना। अब ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, दोनों को ऐड कर देते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 times कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 times कॉस अल्फा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स को ऐसे रहने दो 1 0 0 1, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, मैंने यूनिट बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन कंपेयर कर सकते हैं, ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से इसको कंपेयर कर लेते हैं, देयरफॉर 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 और 0 0 0 0 और ये 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 ही आ रहा ना, एक ही वैल्यू निकल, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी वही निकला, यहाँ से भी वही निकला, तो बार बार लिखने की जरूरत, एक ही जगह। अब यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए
वन अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, वन अपॉन टू वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से बड़ी और नाइन्टी से छोटी पॉजिटिव होती है वन अपॉन टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में जीरो से बड़ी और नाइन्टी से बड़ी और वन एट्टी छोटी में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो अपनी ये जो वन अपॉन टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन एंगल देखो क्या क्या दिया आपको, पाई बाई सिक्स दिया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई थ्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट जीरो से नाइन्टी से वन एट्टी है ही नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, यहाँ पे वैल्यू माइनस वन होती है, और थ्री पाई बाई टू का मतलब होता है 270, है ना, 270 के ऊपर कॉस की वैल्यू नेगेटिव या जीरो हो जाएगी, है ना। तो अपना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी अपने को पॉजिटिव, तो वन अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, वन अपॉन टू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको लिख देता हूँ मैं कॉस 60 डिग्री, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री, कॉस 60 की वैल्यू वन अपॉन टू होती है, और ये 60 कहाँ है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपना एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा, तो फोर्थ में तो कोई एंगल है ही नहीं आपका, ये तो आपका 270 है, 270 आपका थर्ड में भी आता है और फोर्थ में भी आता है, तो 270 पे वैल्यू 1 होती ही नहीं, 0 होती है ना। तो ये 1 अपॉन 2 को मैंने cos पाई बाई 3 लिख दिया, cos से cos को कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये 3 पाई बाई 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे आप इसको टिक कर लेंगे।